ये शुक्ला लॉजिक के साथ बात करता है, ये बोलता है नहीं गलती नहीं हुई मुझसे, अगर मैंने चिल्लाया, मैंने उसको धक्का मारा, गलती उसकी थी, हद से ज्यादा उसने मुझे पोक किया। इंटरनली रोमांटिक आदमी लगा, मैं बहुत मुखातिब होता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को जब दिखता हूँ, मुझे लगता है यार ये तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मेरी वाली कुछ क्वालिटीज उसके अंदर है। लोग ऐसे हल्के में ले रहे हो, आज उसने ट्वीट कर दिया उसके लिए, उसने उसके लिए ट्वीट कर दिया, जिसको ट्वीट करना है ट्वीट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया सबसे पहले मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। आज मैंने ये वीडियो बनवाया है टेली मसाला से आप लोगों को ये बताने के लिए, और ये अनाउंसमेंट संतोष शुक्ला कर रहा है कि बिग बॉस 13 का विनर बन चुका है अपना और आपका फेवरेट द वन एंड ओनली सिद्धार्थ शुक्ला। यस मेरी जान, मैं बर्थडे वन से बोलता चला आ रहा हूं, मैंने सारे इंटरव्यूज में हमेशा यही बोला कि भैया एक शेर है हिंदुस्तान में, शेरों की कमी हो चुकी है, अब शेर बहुत कम बचे हुए हैं गिनती के, ये एक शेर बोल रहा है बाहर से एक उस शेर के लिए जो 13 के अंदर है, और दहाड़ता है ना तो बाकी लोगों की बतलूने ढीली हो जाती हैं, और ये हकीकत है भाई। तुम लोगों को जो करना है कर लो, क्योंकि जीतेंगे तो हम ही लोग, बात खत्म हो गई। ये सिद्धार्थ शुक्ला की जो जर्नी मैंने देखी है ना, तुम लोगों ने क्या बोला था तुम लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कि भाई ये खाली लड़ता है, झगड़ता है, चिल्लाता है, भौंकता है। आज उसने अपना एक ब्यूटीफुल साइड दिखाया आपको, एक खूबसूरत साइड दिखाया है, उसने ये दिखाया कि सिद्धार्थ शुक्ला इज इवन मोर चार्मिंग व्हेन ही इज नॉट फाइटिंग। इतना इंटरनली रोमांटिक आदमी लगा, मैं बहुत मुखातिब होता हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को जब दिखता हूँ, मुझे लगता है यार ये तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मेरी वाली कुछ क्वालिटीज उसके अंदर है। वेरी ब्यूटिफुली रोमांटिक आदमी है यार वो, उसका एक अंदर का जो रोमांस था वो मुझे लगता है बहुत खूबसूरत तरीके से निकल के आया, उसकी एक बहुत कमाल की एनर्जी निकल के आई। आज रश्मि के साथ उसके उतार चढ़ाव रहे, शो के बाहर भी शो के अंदर भी, बहुत ख्यालात रखते हुए सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। आरती के साथ कितना खूबसूरत रिलेशन निकला है उसका, अगर आप देखते हैं सना के साथ जो बॉन्डिंग बनी है, आपको लगता है अगर सिद्धार्थ नहीं होता तो ये सिद्धार्थ होता? सिद्धार्थ के फैंस मुझसे मुखातिब होते हैं कि नहीं होते? बहुत कमाल की बॉन्डिंग निकल के आई दोनों की भाई, और वो मतलब आज पूरे विश्व को पागल कर दिया है सिद्धार्थ ने, तो ऐसे ही थोड़ी ना, ये दोनों में कुछ बात है भाई। तुम लोग ऐसे हल्के में ले रहे हो, आज उसने ट्वीट कर दिया उसके लिए, उसने उसके लिए ट्वीट कर दिया, जिसको ट्वीट करना है ट्वीट करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये मिट्टी की खुशबू नहीं आती, लोग नहीं जुड़ते हैं। मुझे पता है अंदर से हर आदमी ये चाह रहा है सिद्धार्थ शुक्ला जीते, क्योंकि वो बात है बंदे में यार, गलत का साथ नहीं देता है, सच का साथ देता है, लॉजिक के साथ बात करता है, कुछ भी फालतू बात नहीं करता है कि एक खाली बिग बॉस का शो है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े चलते हैं, लड़ाई झगड़ा दिखाना है तो अपने को सिर्फ लड़ना है, वैसा नहीं है। वो खाली लड़ने के लिए नहीं शो में अंदर है, अगर आप देखो तो इतने लॉजिक, मैं 12 सीजन खोल के देखता हूँ, पी चुका हुआ हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे लगता है नहीं यार ये ऐसा आदमी तो आया ही नहीं, मतलब लड़ाई करने के बाद लोग सॉरी बोलते हैं गलती हो गई, बट ये तो लॉजिक देता है यार, ये शुक्ला लॉजिक के साथ बात करता है, ये बोलता है नहीं गलती नहीं हुई मुझसे, अगर मैंने चिल्लाया, मैंने उसको धक्का मारा, गलती उसकी थी, हद से ज़्यादा उसने मुझे पोक किया। तो भाई ये अभी बात खत्म होती है, शो का फिनाले कुछ देर में आ जाएगा, ये वीडियो एक बार फिर से घुमा के देख लेना कि टेली मसाला पे संतोष शुक्ला ने बोला था कि BB13 का विनर होगा सिद्धार्थ शुक्ला। बात खत्म हो गई, अभी अपने घर जाओ, आराम करो, जाकर के टेलीविजन के सामने बैठ जाओ, क्योंकि आज रात में आ रहा है बिग बॉस 13 का फिनाले, संतोष शुक्ला ने क्या बोला था ये भूलना मत। मैं भी जा रहा हूँ, कॉफी वॉफी पीऊंगा और रेस्ट मारूंगा, चिल मारूंगा, खुश रहो, दुआ में याद रखना, लव यू मेरी जान।